अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जासिम शहजाद। मेरा 2 दिन से मोबाइल ख़राब हो गया था। मैं कल 300 रुपये का कार्ड लेके आया हूँ, जो कि मैंने 280 रुपये का लोया पुराना बेचा और फिर 300 रुपये का कार्ड लाया हूँ। घर में काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, ऊपर वाली छत तो भी जा चुकी है जिसकी मैंने वीडियो बकायदा बनाई हुई थी, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई। मेरा मेमोरी कार्ड कार्ड प्लेट खराब हो। आज के सूरत हाल आपको काम की मैं बताते चलता हूँ। जितना काम आज 29 अगस्त तक हो चुका है उस काम की सूरत हाल का मैं आपको बता देता हूँ। इतना काम 29 अगस्त तक हो चुका है। वो मिस्त्री साहब अकेले काम कर रहे हैं, ये साथ अच्छा लगा हुआ। ये पर्ची आना था, वो पिछला अंदर था हमारा। ये आज काम का 7वां दिन है। कुछ दिन के लिए मेरा मोबाइल खराब था। इंटे जो सी है वो उधर जनेद लोग घर उधर इधर लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे तंबूरियों का छत्ता आ गया था। अगर आपको नजर आए छत्ता, वो देखिए तंबूरियों का ये छत्ता है। ऊपर जा भी ये देखिए तंबूरिया, कल मैंने आग लगाई थी और आज ये सूरत हाल है। मैं ऊपर से जाके वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मुझे छापर पहन के जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वीडियो को रोकता हूँ। वेलकम बैक। सामने आपको टीवी नज़र आ रहा होगा। ये कल 28 अगस्त 2012 को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच लगा था, जिसकी वजह से कल रात को हमने काम किया और ये मैच देखा, जो कि मैच वो पाकिस्तान हार गया है और मैच भी शारजा में था। आज काम 29 अगस्त 2012 बरोज का नहीं मुझे पता। ये कल नी खुदी गई थी, तकरीबन मजदूर को 750 रुपये दे रही थी। 2 नी, 1 जेवली, ये इसके बिल्कुल नीचे और एक अंदर है, जो कि लाइट माउंटर है जी हाँ। वो देखिए ये नी खोदी गई, इस नी के नीचे जो सा है वो फर्श निकल आया था। तो ये नी खोदी गई थी और आज मिस्त्री साहब ने ये दीवार लगाई है, और अंदर वाली दीवार इसलिए नहीं लगी क्योंकि हम रेत के तोड़े लेकर आए थे और 20 तोड़े सिर्फ इसी के ऊपर लग गए। इंशाल्लाह आज है कल ट्राली जो है हमारी ट्राली आएगी तो ये काम शुरू हो जाएगा। ये वही द्वार है जो आज पड़ी है और ये वही जगह है जब हम ऊपर का छत तोड़ा तो वो वहाँ तक लेकर आ चुका था। इधर ये इधर भी लेटर रखा हुआ है हमने। बाकी आपको आगे की सूरत हाल से अगर इधर हमने जहाँ पे मिट्टी रखी थी यहाँ पे अब दूराबाद से वो सामान लेके आए हैं तो ये जगह थोड़ी सी बढ़ चुकी है। ये यहाँ पे अभी हसन इंटे साफ कर रहा था। ये हमारा बेड ड्यूरी है हमारी। बाहर की सूरत हाल ये है, यहाँ पे हमने इंटे लगाई हुई थी जिन्हें लोगों के घर के इस तरह ये ईटे इस्तेमाल हुई है। ये जुबैर लोगों के घर पर मलबा, एक उधर पर हमारा मलबा लग गया और इसके अलावा एक मलबा हमारा इधर लग गया। ये उनकी रेत तलातम हो जाएगी, यहाँ पे हमारी रेत आ जाएगी। ये ऊपर देखिए घर की सूरत हाल है। आपको ऊपर कई मैं सूरत हाल आगाह करता हूँ। मेरे मोबाइल पर काफ़ी मिट्टी भी आ चुकी है तो वीडियो खाफ हो रहा है। ये 3 मल की बोरी आई थी, 2 इस्तेमाल हो चुकी हैं और
तीन रेत के टुकड़े पड़े हैं, जो कि 20 तोड़े रहे थे और एक ही हमारी नींद मतलब ये इतने हैं, कल इंशाल्लाह इस्तेमाल होंगे। आए आपको मैं ऊपर की सूरत हाल करता हूँ, चल के ऊपर की सूरत हाल को देखते हैं। तेरे चले फारग हो गई नहीं हूँ मैं, थले थले बंद कर दो फिर मैं ऊपर है ना। ऊपर की सूरत हाल दोबारा आपको बताता हूँ। मिस्त्री साहब लगे हुए हैं, हमारे बरसियाने का यहाँ दरवाज़ा हुआ करता था और उनके उस सजे हाथ वहाँ पे जंगला हुआ करता था, और वो चार पे आपको नज़र आ रही है वो हमारा पिछला अंदर है, मुझे सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, वीडियो बन में बन रहे हैं। ये जहाँ पे मुदसर काम कर रहा है ये हमारा बड़ा बरसियाना है, ये तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये 2 दिन के बाद 30-31 अगस्त 2012 के बाद ये लेंटर तोड़ना शुरू करेंगे। वो पिछले अंदर का दरवाज़ा और वो आगे किचन का दरवाज़ा भी पड़ा हुआ है, ये आज सारी साबुत इटे जिले लोगों के घर में रखनी है। ठीक, यहाँ के सूरत हाल से आप आगाह हो चुके होंगे, वो जूम में कर देता हूँ, वो जहाँ पे पूरी चारपाई पड़ी है वो हमारा पिछला अंदर, ये हमारे पास किचन था। अब मिस्त्री साहब ने नाना पूछ के घर पे आना है, उन्होंने इनको बुलाया था। मिस्त्री साहब अज उन्होंने मैं चाह पिला के थोड़ा असी भी कम कम उन्होंने चाह पूछी है, अभी तक जरूर चाह पूछेंगे। नहीं 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 उन्होंने ठीक कहना है, और तो उन्होंने आइए ऊपर आपको तंबूरियों का छत्ता दिखाता हूँ। एक दरवाज़ा खोल दे तो सर घबरा स्टोरी है, वो तंबूरियों का ज़रा जूम करके नज़र आए, वो जूम ये तंबूरियों का छत्ता है। ऊपर जाओ उनसे वीडियो के लिए अच्छा नहीं लगेगा, वो देखिए अभी उड़ के गई है एक तंबूरी, तो ये इनकी दीवार बनना शुरू हो गई है मेरे ख्याल से, शायद उन्होंने इतनी दीवार बनानी थी। अगर मैं तंबूरियों को यहाँ पर छेड़ के जाऊँ और दरवाज़ा बंद कर लूँ, लेकिन खतर नहीं लगा तंबूरियों को, ये रास्ता हमने बनाया हुआ है। अब ये लोग जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर देता हूँ, काम करने से पहले मुझे परेंद्र का पंखा बंद करना पड़ेगा जो कि बंद हो चुका है, बाहर दरवाज़ा फेर दे। ये मैं अपने किचन में जाने लगा, ये हमारा बर्बादी आना है। वेलकम बैक, ये हमारे बर्तियाने की टैंकी है जो आपको नजर आ रही है, कि यहाँ पे वो जंगला है जहाँ पे हमारा ये सारा का सारा बर्तियाना है। यहाँ पे हमने ईंटें लगाई हैं जो कि जनेल लगा रखी हैं, ये कैंची है, ये सामने आजम लोगों के घर काम बोल रहा है, ये उनसे लेकर आए हुए हैं हम, 90 रुपये की मैं कल कैसी लेके आया था, ये 4 रुपये आज मैं इधर ही सोऊंगा, उसके हाथ में नहीं सोना चाहता। ये कोठी है, यहाँ पे वो देखिए गिर रहा था हमारा मलबा,
जो कि उन्होंने सफाई कर दी है, और चिन्हे लोगों के घर की सूरत हाल ये है कि वो इटे जूम करूं तो ये सही तरीके से नजर नहीं आ रहा। ये हमारा बरोची आना, ये दो दिन के बाद ये हमारा बरसेन का दरवाजा, ये पिछले अंदर का वो देखिए इनका घर, अब मैं सफाई करने लगा हूँ और सफाई के बाद इंशाल्लाह ताला रोशनी रही तो फिर वीडियो का सिलसिला जारी रखूँगा। और मिस्त्री साहब का कहना है कि हम दो दिन के बाद ये पिछले अंदर बरचाना यानी कि दूसरी मदर का दरवाज़ा तोड़ेंगे। वो ये सामने आपको ये नज़र आ रहे हैं सरिये, ये सरिये भी इंशाल्लाह ताला टूटेंगे। और आजकल हतीजा ने बदतमीजी की थी, मैंने उसको गालियां दी हैं, उससे आजकल मैं नहीं सही तरीके से बोल रहा। कासम की एलसीडी टूट गई थी, उसने भी मुझ पर दान दिया, मैंने तोड़ी, हालांकि वो मैंने नहीं तोड़ी थी। परसों बच्चे के अबू फोत हो गए थे, जैन लोग जो कि सर सलेरिया जहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं उसके पास रहते हैं, तो उन लोगों से काफ़ी तावन है हमारा, इतने लोग भी तावन कर रहे हैं, उन्होंने इंटे रखने दी हैं, ये चार पाई परी है। और अबू को मैंने मकान के दौरान अभी कोई कॉल नहीं की, और मैसेज आते रहते हैं, इंशाल्लाह ताला नई सिम लेके या जायज कार डाल के इनको फ़ोन करूँगा। दुश्मनों के वसूसे आते रहते हैं, दुबई जाने का सोच रहा हूँ, फ्यूचर का भी सोचूँगा। हाशिम कुछ दिनों में आ रहा है, शायद वो कराची आता है, जहाँ भी आता है आके वो भी देखेगा। खैर मैं यहाँ से कुछ टाइम काम को देता हूँ, काम करने के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।